हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 6 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपके जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, इसके अलावा PIB, PRS, वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो सभी हम लोग कवर करते हैं। देखते हैं आपके आने वाले एग्जाम में क्या आ सकता है, पेपर में क्या पूछा जा सकता है, ये सभी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, शेयर करते होंगे अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आने वाले दिनों के अंदर आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और जो है अपनी लाइफ को आगे लेके जा सके। ना सिर्फ आपको एग्जाम के अंदर, आपको लाइफ के अंदर क्या सीखने को मिल रहा है, क्या आपके इंडिविजुअल लाइफ के अंदर कुछ ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या कुछ आप अच्छा सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरे को लगता है कि ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कैसे जीते हो यही आपकी सक्सेस है जो कि डिफाइन करती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे। अपना दिन का आधा घंटा निकालना होता है, अगर आप आधा घंटा भी निकाल रहे हो, 30 से 40 मिनट के सेशन रखता हूं मैं, कोशिश करता हूं कि 45 मिनट के अंदर अंदर जो है मैं आपको सब कुछ जो है वो कवर कर दूं, है ना, और ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और आपके करंट अफेयर के अंदर डेली का हर टॉपिक जो है ना वो भी कवर होता रहे। चलो तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, अभी यहाँ पे आज 21 जुलाई है 2022 और ये सारे के सारे आपके एग्जाम हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सेशन रेगुलर देखना चाहिए, और इसके अंदर CUT भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। CUT की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास 24 CUT नाम का भी एक चैनल है जो कि बनाया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, इसके अलावा क्लास 24 डिफेंस नाम का भी एक चैनल है ना, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन है जो कि कवर करेंगे, इसके बाद में कोट ऑफ द डे देखेंगे, सारे के सारे न्यूज़पेपर देखेंगे, उसके बाद में फन फैक्ट देखेंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है, डेली के 5 वोकैबुलरी कवर करेंगे, और जाने से पहले कुछ सवाल है जो कि मैं आपको देख के जाने वाला हूँ। तो कल मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि RBI द्वारा किए गए कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो RBI जो है ना, कौन से फंक्शन है जो कि परफॉर्म करता है। तो यार देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बैंक ऑफ द इशू करेंसी को यही करता है, बैंकर ऑफ द बैंक बाकी बैंकों को पैसे भी यही देता है ना, और गवर्नमेंट को भी यही देता है, रेगुलेट करता है दोस्तों फ्लो को, पैसा कहां जा रहा है आ रहा है। तो सारे स्टेटमेंट सही है, तो माने कि यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, सी आपके यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस दिशा निर्देश के अनुसार सरकार ने RBI द्वारा रखे गए संपूर्ण SBI शेयरों को जो है वो लिया है। तो सिंपल सी बात है, SEBI है दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट को जो है वो एक्सचेंज को जो है वो मॉनिटर करती है, तो उनके दोस्तों गाइडलाइन के बाद ही जो है गवर्नमेंट ने इस टेक को लिया है। नेक्स्ट था, मेन एम SCO का क्या है। SCO का मतलब है जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम क्या है। तो एम बहुत ही सिंपल, देखो आपको मालूम ही, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन करना बाकी सारे कंट्रीज के अंदर, इसके अलावा टेररिज्म को काउंटर करना, बॉर्डर के इश्यूज को रिजॉल्व करना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों ही दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार कब एक्सप्लेन किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके बारे में पहली बार चर्चा कब हुई थी, है ना, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए हुआ क्या था कि 1987 के अंदर इसके बारे में पहली बार चर्चा हुई थी, यहाँ पे है ना ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन है जो कि पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है। तो देखो, पर्सनल व्हीकल को रिड्यूस करके एनवायरमेंट को ध्यान रखना, ये पार्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पार्ट है ना, इंडिजिनियस कम्युनिटी का ध्यान रखना ये भी पार्ट है, लेकिन ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये इसका पार्ट नहीं है दोस्तों, जिसमें प्रेजेंट जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को के लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लेकर बात करी गई है। तो ये अच्छी बात है ये भी, लेकिन ये तीनों जो पॉइंट है ना वो स्ट्रैटेजी है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है बूस्टर को लेकर। अगर आपके रेलवे के एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है तो 18 तारीख से दोस्तों बूस्टर लॉन्च हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे स्टैटिक GK, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस की डेली 4 घंटे 4.5 घंटे क्लासेस चल रही है, जिसमें आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अमेजिंग है जो कि हो जाएगी। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज, 100 घंटे की क्लासेस, 25 घंटे का डाउट सेशन, बायलिंगुअल कंटेंट, 1 साल की वैलिडिटी, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब आपको इसके अंदर अवेलेबल है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे मकबूल का एक इशू है। ठीक है मकबूल, मैं आपके इशू को रिजॉल्व करवा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बार आपकी मेल आईडी भी जो है यहाँ पे लिख दीजिए, मकबूल आपकी मेल आईडी भी प्लीज यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट मैं आगे अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आप
किसी भी सिटी में रहते हैं तो स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी के वॉलंटियर भी बन सकते हैं और एक बच्चे की एजुकेशन 500 रुपीज में अडॉप्ट भी करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं आज का कोट ऑफ द डे, देखते हैं, डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, डोंट क्विट। देखो ऐसा ही होता है यार कि जो भी डिफिकल्ट रोड्स होती है ना, आपने देखा होगा ना कि जहां पर आपके घर के आसपास, मेरे घर के आसपास बहुत अच्छी रोड है तो इतनी अच्छी जगह नहीं होती, लेकिन जैसे पहाड़ों में आप जाते हो तो आपको क्या होता है कि बहुत सारे डिफिकल्ट रोड्स भी मिलती है, डिफिकल्ट टेरेंस मिलते हैं, है ना, बहुत ही डिफिकल्टी होती है, लेकिन वहाँ पे जो ब्यूटीफुल नेचर आपको देखने को मिलती है, डेस्टिनेशन जो आपको देखने को मिलती है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। लोग क्यों ट्रैक के ऊपर जाते हैं, ट्रैकिंग पे क्यों जाते हैं, क्योंकि मालूम है उनको ऊपर जाने के बाद में अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, है ना। तो लेकिन ट्रैक करना जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक बहुत ही जनरल सा एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, लेकिन लाइफ के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो भी आप डिफिकल्ट पाथ है, अगर आप आज फॉर एग्जाम्पल आपके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, मुश्किल है, है ना, लेकिन अगर आप कर रहे हो, अगर आपका कोई प्राइम इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं है और आप प्रिपरेशन करके जॉब लगना चाहते हो, तो यकीन मानिए क्विट मत करिए, मेहनत करिए, आने वाले दिनों के अंदर आपको उसके रिजल्ट है जो कि ज़रूर देखने को मिलेंगे अच्छे। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं दैनिक के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे नए प्रेसिडेंट है जो कि श्रीलंका के बन गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट न्यूज़ के जो एक फैक्ट चेकर वेबसाइट थी ऑल्ट न्यूज़, उसके जो कोफाउंडर थे मोहम्मद जुबेर, उनको सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों राहत दी। जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी उनके खिलाफ एफआईआर थी वो सारे के सारे जो है वो उसके अंदर उनको सिंगल टैग करके बेल है जो कि ग्रांट कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई किसी भी जर्नलिस्ट को आप ट्विटर पे ट्वीट करने से नहीं रोक सकते, है ना, ये बोल के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सारी केसेस से जो है इनको रिलीफ है जो कि दे दी। रिलीफ का मतलब बेल अवेलेबल करवा दी, अभी काफी दिनों से तिहाड़ के अंदर थे और साथ में केसेस को भी दिल्ली भेज दिया यूपी से, ये वाला मुद्दा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे चाइना जो है वो दोस्तों अक्साई चिन जो अपना एरिया है ना, अक्साई चिन भी अपना एरिया है, मालूम है ना आपको, जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है वो, जो कि इलीगली इसने ऑक्यूपाई कर रखा है। राइट हैंड साइड से तो इसने कर रखा है, लेफ्ट हैंड साइड से पीओके पाकिस्तान ने कर रखा है। दोनों मिलाकर जो है वो नियर बाय 75,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है, टोटल 2.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में से, तो ये दोनों इलीगली ऑक्यूपाइड है। अक्साई चिन के पास में नए हाईवेज है दोस्तों जो कि ये बना रहा है, प्लान कर रहा है नए हाईवेज बनाने को। इसके अलावा यहाँ पे मूसेवाला के मर्डर केस में दो सस्पेक्ट थे, उनका भी मर्डर हो गया, ये भी यहाँ पे दोस्तों बताया गया। ये आपका फ्रंट पेज है, कुछ खास इसके अंदर ऐसा नहीं है। हम लोग श्रीलंकन प्रेसिडेंट के बारे में जरूर बात कर सकते हैं क्योंकि 6 बार के प्राइम मिनिस्टर और अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे, आप देख सकते हैं दोस्तों वेनेसडे को इलेक्ट करे गए प्रेसिडेंट श्रीलंका के अंदर, क्योंकि 225 मेंबर के हाउस के अंदर 134 लोगों ने इन्होंने क्या किया है, सपोर्ट है जो कि दिया है। इन्हीं के साथ में इनके कलीग थे पहले, है ना, दुलास करके, अभी वो इंडिपेंडेंट एमपी है, उनको भी 82 वोट है जो कि यहाँ पे मिले हैं, तो अच्छे खासे वोट उनको भी मिले वैसे, लेकिन यहाँ पे रेनिल विक्रमसिंघे पे ज्यादा ट्रस्ट है जो कि दिखाया। इन्होंने बोला कि भाई साथ में मिलकर काम करते हैं, साथ में मिलकर जो कंट्री है उसके हालात को जो है वो वापस से इम्प्रूवाइज करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, अभी जब श्रीलंका के चलो नए प्रेसिडेंट बन चुके, अब हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो जाए क्योंकि पॉलिटिकल सब लोग जो है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे माइट भी, क्योंकि पहले तो गॉटबाया ब्रदर्स तो वो तो खैर बिल्कुल ही फर्जी निकले, है ना, उन्होंने कुछ इकोनॉमिक्स में किया नहीं इकोनॉमी को इम्प्रूवाइज करने के लिए, तो हमने बहुत मदद करी, $2-3 बिलियन है जो कि हम लोग दे चुके हैं, तो क्या रेनिल विक्रमसिंघे आने से चाइना को मजबूती मिलेगी वापस से श्रीलंका में, या फिर हम लोग और मजबूत होते जाएंगे। अभी आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा जब रेनिल विक्रमसिंघे थे तो जब गॉडबाय ब्रदर्स थे तो उनके इंडिया के साथ में बहुत अच्छे क्लोज टाइज थे, है ना, हमने उनको पैसा भी दिया, हमने उनके सरकार को चलाने के लिए हेल्प भी करी, हमने काफ़ी खाना भी भेजा, कोविड पेंडेमिक में भी मदद करी, काफ़ी हमने मदद करी। इनफैक्ट वहाँ पे इस तरीके के नारे भी लग गए थे कि भाई इंडिया जो है वो श्रीलंका को एक तरीके से स्टेट के तौर पे, एक और तमिलनाडु है ना उसी तरीके से जो है वो कंसिडर कर रहा है। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या वापस से चाइना के यहाँ पे एंट्री होगी कि ये वापस से इंडिया और मजबूत होते जाएगा, तो ये दो सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग ये है कि रेनिल विक्रमसिंघे है ना, ये भी कोई चाइना प्रो नहीं है बहुत ज़्यादा, चाइना प्रो ये हो सकते थे, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जितने हमने मदद करी है ना श्रीलंका की, उस मदद के ये भी काफ़ी जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए आए हैं। हमने कोविड वैक्सीन भेजी, हमने फूड भेजा, हमने फ्यूल भेजा, ओके, हमने डिफेंस में मदद करी, हमने काफ़ी कैश जो है इनको अवेलेबल करवाया, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने अवेलेबल करी, अभी भी इंडिया की ज़रूरत इनको पड़ती रहेगी, तो ये पॉसिबिलिटी कम है कि इंडिया का यहाँ पे होल्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा श्रीलंका के ऊपर। ऐसा नहीं है, हमारे अच्छे रिलेशन थे पहले भी थे, अभी भी जो है वो बने रहेंगे, क्योंकि कई जगह पर आर्टिकल्स में इस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही थी, इसलिए मैंने आपके इसके बारे में जो है वो डिस्कशन किया। ठीक है गाइस, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और
पेज नंबर 7, यहाँ पे बात करी गई है दोस्तों कि सबसे मोस्ट विजिटेड प्लेस की। इंडिया में दोस्तों कोविड पेंडेमिक से पहले जो है कौन सा मॉन्यूमेंट सबसे ज्यादा लोग घूमने आते थे, और पेंडेमिक के बाद में सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट कौन से लोग हैं जो कि घूमने आ रहे हैं। तो पहले भी ताजमहल था और आज भी दोस्तों ताजमहल ही है, और सबसे ज्यादा पैसा भी जो है वो ताजमहल ने ही कमा के दिया है। तो ताजमहल दोस्तों हमारे देश के अभी तक की मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है। इंडिया के अंदर 25 करोड़ के आसपास इसने टोटल रेवेन्यू है जो कि जनरेट किया हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। हालांकि 73% दोस्तों ये कम हो गया 2020 के कंपेयर में, क्योंकि उस टाइम पे 97 करोड़ है जो कि कमा के दिए थे, क्योंकि पेंडेमिक आ गया तो लोगों का रिस्ट्रिक्शन लग गए तो लोग जाना कम हो गए, तो ये 97 करोड़ से जो है वो गिरकर अभी 25 करोड़ आ गया। लेकिन पहले भी ये मैक्सिमम था और आज भी ये क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है गाइज, और ये आपके जो लाल किला है ना उससे 5 गुना ज्यादा जो है अर्निंग देता है हमें, है ना। ममलापुरम के जो मॉन्यूमेंट है तमिलनाडु उससे 10 गुना, सन टेम्पल भुवनेश्वर है उससे भी 10 गुना ज्यादा है जो कि हमें रेवेन्यू कनेक्ट करके देता है। इसका एक कारण ये भी दोस्तों कि यहाँ ताजमहल की जो टिकट की प्राइस है ना वो भी ज्यादा है। मैं तो खैर गया नहीं, लेकिन नॉर्मली सुनते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मतलब ये देखिए, रिलेटिवली हायर टिकट प्राइस फॉर फॉरेन विजिटर्स, समझ गए मेरी बात। तो फॉरेन विजिटर ताजमहल घूमने ज्यादा आते हैं, उनको ज्यादा पैसे ही देने पड़ते हैं। हमेशा हर कंट्री के अंदर ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर आप मान लो जयपुर के आमेर जाओगे, आमेर किला है ना जयपुर में, तो वहां पे इंडियन विजिटर के 50 रुपए लगेंगे, फॉरेनर आएगा तो 500 रुपए लगेंगे। वैसे हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं हमारे साथ नहीं होता। हम भी अगर मान लो रोम जाएंगे, वेटिकन सिटी जाएंगे, तो वहां के जो लोकल होंगे उनको थोड़ा सस्ता मिलेगा, हमें जो है वो महंगा मिलेगा। हमें तो वैसे ही रुपए से डॉलर यूरो करके वैसे ही महंगा पड़ जाता है, वहां जाके और महंगा पड़ जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे फॉरेन विजिटर ज्यादा है तो उनका टिकट प्राइस भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से अर्निंग भी थोड़ी सी ज्यादा है। रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से 2021 के अंदर मात्र 1 लाख लोग जो कि आए, उससे पहले 9 लाख लोग है जो कि दोस्तों यहाँ पे आया करते थे, समझ गए मेरी बात। तो पेंडेमिक की वजह से काफी डाउनफॉल है जो कि देखने को मिला। अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में दोस्तों, हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो हमारे बेनिफिट है वो है दोस्तों कुछ बहुत ही अमेजिंग मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि ताजमहल से 25 करोड़, है ना, और मकबरे से 6 करोड़, आगरा फोर्ट से 4 करोड़, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार रेड फोर्ट से आप देख सकते हैं 6 और 5, और अलोरा केव्स 1.6 करोड़, चित्तौड़गढ़ फोर्ट 2.3 करोड़, तो और ममलापुरम से भी नियर बाय 4 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। बाकी ये सब चीज़ें दे रखी। डाउनफॉल की बात करें तो सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स के रेवेन्यू में डाउनफॉल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, चलिए ये हो चुका है, आगे बात करते हैं। और अराइवल के रिवाइव की बात करें तो अब देखिए ये बिल्कुल एकदम से नीचे चला गया, अभी वापस से थोड़ा थोड़ा रिवाइव की तरफ है जो कि जा रहा है, मतलब है ना। 2022 के अंदर जो अभी 3 लाख विजिटर पर मंथ तक है जो कि अभी पहुंच गए, जो कि इंडिया में आए हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए फॉरेस्ट टूरिस्ट अराइवल इन लैक, तो अभी 3 लाख के आसपास है जो कि 2022 में आए, क्योंकि पेंडेमिक अभी भी खैर हर कंट्री के अंदर उतने ज्यादा फ्लाइट्स और बाकी चीजें इतनी नहीं है, और पेंडेमिक के बाद में। लेकिन एक जो ग्लोबल चेंज आया वो आया दोस्तों फ्लाइट की प्राइसेस के अंदर, मतलब फ्लाइट की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है, उसकी वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत टूरिज्म में डाउनफॉल देखने को मिले। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पेंडेमिक से पहले अगर आपको यूरोप से इंडिया किसी को आना है और वापस जाना है तो 50,000 रुपये के अंदर उसका आना जाना हो जाया करता था, 50,000-60,000 रुपये के अंदर, लेकिन अभी वो 1 लाख रुपये हो चुका है। तो इंडिया के वालों के लिए भी और फॉरेनर वालों के लिए, दोनों के लिए महंगा हो गया, मतलब काफ़ी और बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया है, क्योंकि 2 साल में फ्लाइट्स का जो लॉस हुआ है उनको रिकवर करना है, क्रूड ऑयल की प्राइस भी बढ़ गई है, वो भी एक कारण है। ठीक है, चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं अर्निंग के बारे में। यहाँ पे बताया गया किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है जो कि ओवर द टाइम हमारे मॉन्यूमेंट से बढ़ती जा रही है। आप देखिए 2001 से स्टार्ट करोगे तो हमारी अर्निंग जो है ना वो बढ़ती ही जा रही है वैसे, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और 20 साल के अंदर देखोगे तो $30 बिलियन है जो कि 2019 में देखने को मिली, और अभी 2020 में ये $7 बिलियन है जो कि रह गई थी, तो $30 बिलियन हम लोग कमाते हैं, काफ़ी बड़ी बात है। मतलब ये डाटा आपको टूरिज्म, अगर आपके कोई मेंस में सवाल आता है टूरिज्म के ऊपर, कुछ सवाल आता है जहाँ पे आपको लिखना है फॉरेन अराइवल्स के बारे में लिखना है, हमारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखना है ना हमारे, ठीक है, कौन से मॉन्यूमेंट में कितने अराइवल्स होते हैं ये सब लिखना है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा डाटा था। स्माइल फॉर ऑल उत्तराखंड में क्यों नहीं है, गरिमा स्माइल फॉर ऑल उत्तराखंड के अंदर भी है, इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे स्माइल फॉर ऑल नहीं है, है ना। आप वेबसाइट पे जाके smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वॉलंटियर का, आपको उत्तराखंड की टीम में एड ऑन कर दिया जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 11 दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करेंगे प्रोटेस्ट को लेकर। देखो राज्यसभा के अंदर, देखो एक तो वैसे ही आपको मालूम है पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं, विंटर, मानसून और बजट, है ना। तो इसके अंदर भी क्या अभी मानसून सेशन स्टार्ट हुआ है राज्यसभा में, ऑलरेडी 11 बजे से 5 बजे के बीच में काम होता है, 6 घंटे का होता है, उसमें 1 घंटे लंच होता है। लोकसभा में 11 से लेकर 6 बजे तक होता है, है ना। अभी क्या वहाँ पे सेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज ने दोस्तों काफी लार्ज प्रोटेस्ट है जो कि किया है। प्रोटेस्ट करने का कारण भी एक्चुअली के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा तो यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफी अपोजिशन पार्टीज ने काफी प्रोटेस्ट किया पहले दिन ही राज्यसभा के मीटिंग से पहले, और पूरे दिन की जो मीटिंग है वो नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों में नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि काफी प्रोटेस्ट चल रहा था। किस चीज को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, जीएसटी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। अभी रिसेंटली सरकार ने क्या किया है कि जितने भी पैक्ड फूड आते हैं ना उनके ऊपर 5% जीएसटी लगा दिया खाने पीने के सामान के ऊपर। पहले क्या था कि खाने पीने के जो अपने सामान होते हैं ना उनके ऊपर टैक्स नहीं था, ओके। अभी रिसेंटली सरकार ने मंडे से ही, ये जो मंडे गया है ना इसी से ही दोस्तों क्या हुआ है कि सरकार ने बोला कि खाने पीने के सामान में जो भी पैक्ड फूड होगा उसके ऊपर 5% जीएसटी लगेगी। अब क्या होगा, जैसे आप पनीर लेके आ रहे हो, है ना, या फिर आप मान लो पैक्ड दाल लेके आ रहे हो, गेहूं लेके आ रहे हो पैक, कुछ भी पैक्ड लेके आओगे तो 5% जीएसटी आपको देना पड़ेगा। हालांकि अगर आप खुला, जैसे कि आप दूध की थैली लेके आ रहे हो तो 5% जीएसटी है। अगर आप खुला दूध लेके आ रहे हो भैंस वाले या गाय वाले से तो उस पर जीएसटी लगेगा, वो तो कैसे देगा खैर जीएसटी, लेकिन आप पैक्ड जो भी होगा उसके ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस वजह से जो है ना मिल्क कर्ड, है ना, इन सब के वजह से जो है अपोजिशन पार्टीज जो है वो काफी इसके ऊपर प्रोटेस्ट है जो कि कर रही है। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली देखो क्या है कि अपनी जो हार्म HSCD बोलते हैं उसको, HCD हार्मोनाइज्ड कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन कोडिंग सिस्टम के अंदर, हमारे यहाँ पे जो कोडिंग सिस्टम कर रखा है कि किस कौन सी कैटेगरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो जो आपकी पिज्जा की ब्रेड आती है, है ना, या रस्क आते हैं जो आपके, है ना, खाखरा, चपाती, रोटी, रस्क या टोस्टेड ब्रेड आती है, इन सबको एक कैटेगरी में डाला हुआ है जो भी पैक्ड आती है, और 5% जीएसटी है जो कि लगेगा। इसी प्रकार से कंजप्शन कैटेगरी के अंदर आपकी नमकीन है, भुजिया है, ये सब जो आते हैं ना पैक्ड आते हैं सब, इनके ऊपर 12% जीएसटी है जो कि लगेगा, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर है जो कि इनको डिफाइन किया गया है। अभी मंडे से कौन कौन सी चीजें एक्सपेंसिव हो गई हैं अगर उनकी बात करें जिन पे 5% लगेगा, कोई भी पैक्ड कर्ड है, लस्सी है, बटर मिल्क है, पनीर है, जैगरी है, है ना, कोई शुगर है अगर आपकी मान लीजिए, इसके अलावा नेचुरल हनी है, कोई भी आपकी राइस है, है ना, वीट है, कुछ भी ओट्स है, और कोकोनट वाटर है, राइस फ्लोर है, तो ये जो भी चीज़ें जो पैक्ड आने वाली है इन सब के ऊपर 5% जीएसटी है जो कि लगने वाला है, और महंगाई जो है वो खाने के अंदर बढ़ जाएगी, क्योंकि हर आदमी एक दिन के अंदर जो भी कंजप्शन करता है उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि पैक्ड होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे, अगर एग्जाम मेरे पर्सनल मेरी फैमिली का एग्जांपल दूँ तो गेहूं जो है वो बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज जो ग्रैंड पेरेंटल प्रॉपर्टीज है गांव के अंदर, विलेज में, वहाँ पे बहुत फार्मिंग होती है। फार्मिंग के अंदर जो है वो गेहूं, राजस्थान के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन होता है गेहूं का, तो जितनी भी 8-10 बोरी जितनी भी चाहिए होती है वो गाँव से आ जाती है, मतलब तो कभी भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको चावल लाने, अगर आपको ये दाल लानी है, जैसे आपको हनी लेके आना है, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ के अंदर जो कि आपको पैक्ड लानी पड़ती है, तो वहाँ पे आपके 5% बढ़ जाएगा, तो एक आम आदमी के जीवन के अंदर जो है थोड़ी बहुत महंगाई जो है वो और बढ़ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों एक पेपर में सवाल भी आपके बन सकता है आने वाले, जो कि आपका UPSC सिविल सर्विसेज है या जो भी आपके PCS के एग्जाम है, वहाँ पे एक सवाल पूछेंगे आपसे कि इस तरीके से एक सवाल दे देंगे आपको कि बताइए किन चीज़ों के ऊपर जो है ना GST एग्जम्पशन है जो कि कर रखा है GST, ओके, कौन सी चीजों के ऊपर जीएसटी है जो कि एग्जेम्प्टेड है, बताइए। अब देखो आपको इसके अंदर सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जीएसटी एग्जेम्प्टेड उन चीजों के ऊपर नहीं है जो कि डिब्बा बंद है। तो ये देखिए डिब्बा बंद आ गया यहां पे, तो यानी कि सेकंड वाला तो नहीं हो सकता, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, और यहां पे ठीक है 1-2 ये थर्ड वाला ऑप्शन है, नहीं है थर्ड ऑप्शन है, तो ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, और आपके पास बचा है ए और सी। अब ऑब्वियस बात है चिकन अंडे या कुछ भी लेके आओगे तो वो तो आपके एग्जम्पशन जो होता है उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और चौथा वाला भी सही है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो 1-4 बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पे डिब्बा बंद बात आ गई वहां पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, तो इजिली आप थर्ड को रिमूव कर सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके का सवाल जो है आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 12 दोस्तों, जो कि आपके चीता को लेकर, चीता भी पीता है, सुना होगा आपने, अभी दोस्तों इंडिया में जरूर पिएगा,
क्योंकि इंडिया के अंदर 15 अगस्त से पहले दोस्तों आपको चीता देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अग्निवीर के बारे में बात करी गई है, अग्निवीर जो है अपनी नौकरी के चलते साथ में CAPF के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, 10% उनको वहां पर रिजर्वेशन भी जो है वो दिया जाएगा। अगर कोई राइफलमैन की पोस्ट के ऊपर काम कर रहा है ना, या फिर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर उसने अप्लाई किया हुआ है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। अपर एज जो लिमिट है उसके अंदर भी रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो कुल मिला के दो बार तैयारी करनी पड़ेगी, एक बार अग्निवीर बनने के लिए, दूसरी बार CAPF के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे ठीक है, रेलवे को यहाँ पे देखो 250 करोड़ रुपए का नुकसान है जो कि हुआ है, कोलेटरल डैमेज इस साल है जो कि देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ द कई जगह पे प्रोटेस्ट जो है वो हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा वायलेंस वाला चला गया, उसके वजह से काफी नुकसान यहाँ पे हुआ है, 250 करोड़ रुपए का नुकसान। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये चीता है दोस्तों आपके सामने। इंडिया देखो कई तरीके के सवाल पेपर में बनेंगे आपसे, जैसे कि पहला सवाल कहाँ से चीता आने वाले हैं, तो भाई देखो बात ऐसी है, इंडिया और नामीबिया, नामीबियन अफ्रीकन कंट्री है ना, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है जो कि साइन हुआ है। पहला ट्रांसफर जो होगा वो कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वहां पर है जो कि होगा। तो पहला सवाल तो हो गया इंडिया नामीबिया का, दूसरा कौन से वाले नेशनल पार्क का, समझ गए। और हमारे यहाँ पे दोस्तों कौन से टाइम पे लास्ट टाइम पे कहां पे देखा गया था चीता, बताइए जल्दी से। हमारे यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1947 में लास्ट टाइम चीता देखने को मिला था छत्तीसगढ़ के अंदर, लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ में। ब्रिटिशर्स गायब हुए, चीता भी गायब हो गए, 47 में ब्रिटिशर्स गायब हुए, ब्रिटिशर्स के साथ में चीता भी गायब हो गए, ठीक है। लास्ट टाइम चीता छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था हमारे देश में, 1952 के अंदर हमने इनको एक्सटेंट है जो कि करार दे दिया था हमारे कंट्री के अंदर, ये गायब हो गए थे, एक्सटेंट करार दे दिया था। अब पहली कई सालों से कोशिश करी जा रही है, इनफैक्ट 2012 से कोशिश करी जा रही है कि चीता हमारे देश में वापस से रिलोकेट किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने के अंदर भी मैटर पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे पिछले अगर 15-16-17 तक की बात करें तो उस टाइम तक हमारे पास इतना अच्छा उसका एनवायरनमेंट नहीं था कि हम चीता को यहाँ पे सर्वाइव करवा सके। पता लगा 20-25 लेके आए और वो भी यहाँ पे धराशायी हो गए, उसके बाद तो फिर स्कोप ही नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो उनके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज का, पॉल्यूशन का, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ओके, इसके अलावा उनके हैबिटेट का, उनके खाने का, कितना खाना वहाँ पे अवेलेबल होगा, समझ लो, फॉरेस्ट साइट कितनी है, प्रे जो इनके जो इनका शिकार होगा वो कितना है वहाँ पे पता लगा, या अकेले अकेले घूम रहे हैं वहाँ पे, इनका शिकार ही नहीं मिल रहा, भाग लिए 100-200 किलोमीटर और वहाँ पे देखने को मिल ही नहीं रहा कोई शिकार, ये बोलेंगे यार ये सही बेवकूफ़ बनाया, मतलब पता नहीं कहाँ ला के पटक दिया यहाँ पे, ना कोई भेड़ बकरियाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो खाने को, ठीक है, भागते भागते थकार के पड़ जाएगा बेचारा, मर जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि फॉरेस्ट के अंदर ज़रूरी होता है कि प्रे जो उनके शिकार हैं वो भी डेंसिटी के अंदर होने बहुत ज़रूरी होते हैं, है ना। इसके अलावा करंट केयरिंग कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे चीता की। इसके अलावा यहाँ पे पहले ये भी बोला जा रहा था कि यहाँ पे हम लोग एशियाटिक लायन को भी लेके आएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, एशियाटिक लायन और फिर ये आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, भैया एशियाटिक लायन गुजरात में, वहीं पे रहने दो, गिर के अंदर ही रहने दो, मध्य प्रदेश में मत लेके आओ। अभी जो है मैक्सिमम इनकी 21 की कैपेसिटी है, जो ये कि 21 चीता यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, और इसको बढ़ाकर 36 चीता तक की कैपेसिटी है जो कि यहाँ पे रखी जा सकती है, समझ गए। तो ये यहाँ पे दोस्तों बोला गया है, एक साल के ट्रायल के ऊपर आएंगे अभी ये, इनका भी एक साल का प्रोबेशन पीरियड है अभी है जॉब का, तो एक साल के लिए इनको पहले ट्रायल पे लेके आया जाएगा प्रोजेक्ट चीता के तौर पे, और ठीक है, और फिर यहाँ पे इनको क्लाइमेट से लेकर हर चीज को लेकर हैबिटेट करवाने की कोशिश है जो कि करी जाएगी, उसके बाद में और लोगों को लेकर आया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे चैलेंजेस और भी हैं, जैसे कि कूनो नेशनल पार्क है, उसके आसपास बहुत सारे गांव हैं, तो उनको भी दोस्तों जागरूक करना पड़ेगा कि भैया इस तरीके का कोई जानवर आ रहा है, तुम लोग कोई कुछ और मत बना देना, उसको पता लगा उसको वापस लाठी से मार मुड़ के जो है वो भगा दिया उसको कुछ, है ना, उसको मार मुड़ दिया तो क्या होगा। आसपास के एरिया के अंदर जो गांव है सब जगह पे प्रमोट करना भी ज़रूरी है कि भाई इस तरीके का नया जानवर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी सरपंच है, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोग्राम चलाएगी, सोशल प्रोग्राम, एजुकेट करेगी लोकल विलेजेस को, सरपंच को, है ना, लीडर्स को, टीचर्स को, सोशल वर्कर्स को, एनजीओस को, बाकी सबको, है ना। और एक कैंपेन चला रही है चिंटू चीता, ठीक है, ठीक है, क्या नाम है, चिंटू चीता। चिंटू नाम तो सुना ही होगा ना, ऋषि कपूर जी का भी नाम था, तो कैंपेन का नाम क्या है, चिंटू चीता, ओके, ये कैंपेन का नाम है। और इस कैंपेन के तहत अवेयरनेस है जो कि क्रिएट करी जाएगी, गाइडलाइंस भी दोस्तों वो जारी करी जाएगी, चीता और ह्यूमन के बीच में क्या ना हो दोस्तों, आपस के बीच में कन्फ्लिक्ट है जो कि नहीं हो, समझ गए मेरी बात।
चलो आगे बात करते हैं, होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दो प्रकार के चीता होते हैं, एक तो अफ्रीकन है ना, साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं जुबेटिस, और ब्राउनिश कलर के होते हैं, गोल्डन कलर की इनकी आईज होती है ना, और थिकर होते हैं, मतलब स्किन भी थोड़ी सी थिकर होती है एशियाटिक लायन से, सॉरी एशियाटिक चीता से। ओके, स्पॉट्स जो है वो ज्यादा होते हैं, लाइन्स होती है देखो फेस के ऊपर इस तरीके के, ये अफ्रीकन चीता होता है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, काफी देखने को मिलेंगे अफ्रीका के अंदर। वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, अपेंडिक्स वन में, साइट्स में, और WPA के अंदर, शेड्यूल टू के अंदर है। लेकिन जो हमारे एशियन चीता है दोस्तों, आप देखोगे ये तो अफ्रीकन हो गया, एशियन चीता है, इनका नाम देखिए विनेटिकस, और ये थोड़े से छोटे होते हैं अफ्रीकन चीता से, एशियाटिक चीता। इनका देखिए पूरा ब्राउन कलर का ज्यादा होता है एकदम, कलर की स्किन जो होती है, और थोड़े छोटे होते हैं साइज में, और ये आपको कहाँ पे ईरान के अंदर ही देखने को मिलते हैं एशियाटिक वाले, और ईरान के अंदर भी दोस्तों 100 से भी कम है जो कि ये बचे हुए हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, अपेंडिक्स वन में, शेड्यूल टू के अंदर है जो कि इनको डाला गया है। तो ये एशियाटिक है, ये भी जो है वो जाने की कगार के ऊपर है। ठीक है, हमने दोस्तों कौन कौन से कंजर्वेशन के एफर्ट्स है जो कि लगाए, हमने काफी कोशिश करी है इसको बचाने की पिछले कुछ सालों में, बचाने की मतलब इनको घर पे लेके आने की। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दोस्तों 260 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो कि प्रिपेयर किया इसको इंडिया में रिलोकेट करने के लिए 7 साल पहले, 7 साल लग चुके हैं है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इंटर कॉन्टिनेंट को ही बदल के दूसरे कॉन्टिनेंट में चीता को लेके जाया जा रहा है, समझ रहे हो। चीता भी जो है पहचान नहीं पाएगा यार, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे इतने अलग कैसे हैं, चीता भी नहीं पहचान पाएगा क्योंकि अफ्रीका के लोग पूरे अलग है कॉन्टिनेंट के, हमारे कॉन्टिनेंट के लोग अलग है ना, तो उसको भी पहचानने में काफ़ी दिक्कत होगी यार, पता नहीं कहाँ गए मतलब एकदम से। तो ये दुनिया में पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि किया गया है, इससे पहले हमने हमारे यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने एक इंट्रोडक्शन प्लान है चीता का इंट्रोड्यूस करने के लिए वो जारी किया था। 50 चीता जो है इंडिया में लेके आके 5 साल में उनको सर्वाइव करवाएंगे, 5 साल में लेके आएंगे, ये पूरी कंजर्वेशन एफर्ट्स है जो कि हमने लगाए। कूनो को ही क्यों सेलेक्ट किया गया, अरे भाई रणथंभौर सरिस्का के और पे क्यों नहीं लेके जाया गया, सिर्फ कूनो के अंदर ही क्यों लेके गया है, है ना। कूनो की बात करें दोस्तों तो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डेस्टिनेशन है वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए, कूनो जो है वाइल्ड लाइफ लवर के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, बहुत ही हेल्दी पॉपुलेशन है वहाँ पे, सांबर की, चीतल की, नीलगिरी की, पिग, चिंकारा, इन सब की पॉपुलेशन बहुत ही बढ़िया है। और ये सारे ही दोस्तों जो है वो किसके शिकार हैं, ठीक है, चीता के शिकार हैं, ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, लेपर्ड हो गया, हाइना हो गया, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं है ना, और ठीक है ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी बात एक और, वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर भी प्रमोशन मिलेगा इसके आने से है ना, हो सकता है जब आप जीप सफारी में जाओ तो चीता जो है वो आपको एकदम बुलेट की स्पीड से जो है वो भागता हुआ नजर आए, आपका कैमरा भी ट्रेस नहीं कर पाएगा इतने जोर से भागता है चीता। ओके, फास्टेस्ट मैमल है यार आज के टाइम पे, चीता, डियर, उसके बाद उसेन बोल्ट आता है दुनिया में, ठीक है, अगर 100 मीटर की रेस करवा ली जाए तो। चलिए इसके अलावा नेशनल पार्क के अंदर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, नेशनल पार्क में प्रमोशन में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, वहाँ से टूरिज्म भी थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज हो जाएगा। अरे कई लोगों को मैंने देखा है ना, अब कभी आप गए होंगे किसी नेशनल पार्क में है ना, तो कई बार इतने अजीब और गरीब लोग बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जीप आप सफारी पे गए है ना, टाइगर सफारी के ऊपर गए तो किसी ने एक टाइगर देख लिया तो पीछे पड़ जाते हैं उसके जीप वाले के, भैया वापस से दिखाओ ना टाइगर, भैया अरे उनको ये नहीं पता कि भाई ये जंगल है, यहाँ पे एक बार लोगों को दिख जाता है वो भी बहुत बड़ी बात होती है, 10 बार लोग आते हैं ना तब जाके एक बार नजर आता है उनको। ओके, ये पूरा जंगल है, कोई जू नहीं है जहाँ पे उसको पता है कि हाँ यहाँ पे बैठा होगा, भी चलो यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये किस्मत की बात होती है कि जब आप सफारी पे जा रहे हो तो वहाँ पे आपको टाइगर दिख जाए, लेकिन लोगों को लगता है कि सफारी पे जा रहे हैं तो टाइगर तो दिख ही जाएगा ना, ऐसा नहीं होता है मतलब, ठीक है, ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि एक बार दिख गया तो वापस से दिखाओ ना अंकल, वापस से दिख, ये क्या बात है, जंगल है ये, बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ पे किस्मत है कि आपकी गाड़ी जहाँ से जा रही है उसके आसपास उस मोमेंट के ऊपर जो है वो कोई टाइगर वाइगर कुछ पानी वानी पी रहा हो, कुछ कर रहा हो। तो ये बहुत ही फनी चीज़ थी जो कि मेरे को कहीं, मैंने कहा जिम कॉर्बेट गया था तो वहाँ पे कुछ लोग गुस्सा कर रहे थे कि नहीं आज तो हमें देखने को नहीं मिला, हमें तो पैसे खराब हो गए, ये वो, मुझे लगा कि यार ये कोई एंटरटेनमेंट है क्या, कोई मतलब टाइगर को देखना या फिर कोई वाइल्ड लाइफ को देखना, ये कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी ना है, मतलब यार टाइगर बहुत ही अमेजिंग एनिमल है, अगर आप देख रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब उसको देख रहे हो या आपको दिख रहा है तो वो मतलब, लेकिन ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि आप गुस्सा कर रहे हो ड्राइवर के ऊपर, आप
है ना, उसको कुछ चार बातें बोल रहे हो कि हमें तो दिखाई नहीं ये वो, अरे उसके हाथ में नहीं है वो, कोई उसका कोई भाई भतीजा थोड़ी ना टाइगर का कि हाँ भाई ठीक है मिला के लाता हूँ अभी तुमको, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ग्रोन अप, थोड़ा सा लोगों की सोच वाली बात है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि स्पोर्ट्स को लेकर। हाँ, एक और दोस्तों बैड न्यूज़ है जो कि हमारे स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिली, वो है हमारे इंडियन एथलीट को लेकर। पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी सारे केसेस है जो कि दोस्तों डोपिंग के बढ़ते जा रहे हैं, जिससे इंटरनेशनल सर्किट में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। इनफैक्ट दोस्तों अभी हमने दो चीज़ें जो है हमने बहुत ही प्राउड फील किया था दो चीज़ों के ऊपर। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि हमारे धनलक्ष्मी और साथ में ऐश्वर्या, इन्होंने इंटरनेशनली जो है ना बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी और हम बहुत खुश हुए थे। मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे ना, धनलक्ष्मी जो है इन्होंने 11.26 सेकंड के अंदर 100 मीटर जो है ना वो टर्की के अंदर अभी कंप्लीट किया, और 11.26 सेकंड में 100 मीटर भागने के अंदर आज तक इंडिया में दो ही लोग भाग पाए, उसकी बराबरी कर ली थी। मतलब ओके, उसके बाद में 200 मीटर भी जो है वो 22.89 सेकंड के अंदर उन्होंने कजाकिस्तान में कंप्लीट किया। अब ये दोनों जो रिकॉर्ड बने ना, ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग थे और स्टंट रह गए थे सब लोग यार। जैसे रणविजय स्टंट हो जाता ना रोडीज के उस ऑडिशन में, वैसे सब स्टंट हो गए थे तो ओके। और बहुत लोग प्राउड फील कर रहे थे यार कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इतना अच्छा ग्रो किया इन्होंने इंडियन एथलेटिक्स में, आने वाले टाइम पे हमें काफ़ी मेडल्स भी मिलेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं ऐश्वर्या की बात करूँ तो इन्होंने भी दोस्तों 14.14 मीटर की ट्रिपल जंप है जो कि मारी, और 11 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड है जो कि तोड़ दिया था। इनफैक्ट एशिया की नंबर वन प्लेयर बन गई थी जब इन्होंने 6.73 मीटर का लॉन्ग जंप है जो कि मारा था नेशनल्स के अंदर चेन्नई के अंदर। ओके, दोनों बहुत अमेजिंग प्लेयर थी, इंटरनेशनली नाम चल रहा था, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे इनका डोपिंग टेस्ट हुआ, दोनों की दोनों फेल हो गई। कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाले हैं बर्मिंघम के अंदर, वहां पे इनका जाना जो है ऑलमोस्ट ना के बराबर है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एक यूनिट होती है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनियन, है ना, तो कुछ साल पहले ही बनाई थी ताकि स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग को जो है वो फाइट किया जा सके। लेकिन तमिलनाडु की धनलक्ष्मी, उन्होंने कजाकिस्तान के अंदर रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, और ऐश्वर्या जो कर्नाटका की है दोस्तों, इन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। तो नाडा का नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का जो टेस्ट हुआ उसके अंदर चेन्नई के अंदर हुआ था, दोनों की दोनों फेल हो गई। अब हमारे यहाँ पे क्या है, नाडा भी अपनी एक पूरी की पूरी क्या एक एथलेटिक, जब भी आप स्टेट के ऊपर पहुँचते हो ना, नेशनल प्लेयर तक पहुँचते हो, तो आपको नाडा और वाडा, वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा है नेशनल वाला, दोनों की क्या एक पूरी लिस्ट आती है कि कौन कौन से सब्सटेंसेज आपको काम में नहीं लेने हैं, उसकी प्रॉपर लिस्ट होती है। वो आपको ध्यान रखना होता है, आपकी बॉडी में वो सब्सटेंसेस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करेंगे और आप एक अनएथिकल तरीके से स्पोर्ट्स में कम्पीट करके कहीं पर जीतोगे, जो कि नहीं होना चाहिए ना, अलाउ वो वाली बात है। ठीक है, तो इस वजह से कोच से लेकर पूरे के पूरे कंट्री के अंदर जो है वो काफ़ी एक सैड न्यूज़ है जो कि चली गई है इस चीज़ को लेकर। इससे पहले भी हमारे कई सारे प्लेयर्स, कमलप्रीत है, 6 नंबर पे थी टोक्यो ओलंपिक्स में, एशियन सिल्वर मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोवर शिवपाल सिंह, है ना, पू वर्मा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल जैवलिन रिकॉर्ड थोड़ा राजेंद्र सिंह है ना, इसके अलावा तरनजीत कौर है, नरेश है, ऐसे कई प्लेयर है जो कि दोस्तों पिछले 12 महीने के अंदर ही डोपिंग टेस्ट में फेल है जो कि हो चुके हैं। हमारे इंडियन एथलीट के लिए मतलब 2011 के अंदर एक स्कैंडल हुआ था जब 6 महिलाएं जो हमारी डोपिंग में पाई गई थी, उसके बाद में पिछला साल जो है ना 1 साल का ये बहुत ही खराब निकला है हमारे इंडियन एथलेटिक्स के लिए। ठीक है गाइज, अब ये कैसे रोका जा सकता है? देखो कई बार ऐसा भी होता है कि ये थोड़ा मानना थोड़ा मुश्किल है, जब आप नेशनल सर्किट में परफॉर्म करते हो या इंटरनेशनल सर्किट में जाते हो तो ये मानना बहुत ज़रूरी, बहुत ही अजीब बात है कि आपको पता नहीं था। आप इतने बड़े एथलीट हो यार, आप नेशनल प्लेयर हो, बनना कोई मामूली बात नहीं होती आज के ज़माने में, बहुत कॉम्पिटिशन होता है कोई सा ही स्पोर्ट्स हो चाहे, ओके, बहुत बड़ी बात होती है अगर आप नेशनल्स खेल रहे हो तो यार। ठीक है, यहाँ पे पूजा राजपूत जो है वो नाडा में काम करती है, चलो बहुत अच्छी बात है यार, पूजा भी आपको काफ़ी चीज़ें बता सकती है। ओके, तो कभी भी ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, तो प्लेयर बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था, ये बहुत ही इडियोटिक बात है। होना क्या चाहिए, एक तो क्या कि ये प्रमोट करना चाहिए कि अगर आप इंटरनेशनली खेल रहे हो तो आपके खुद के लिए खेल रहे हो, है ना। अभी क्या हो चुका है, देश के आपस के बीच में जंग बन चुका है स्पोर्ट्स, जो कि नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से भी लोग क्या करते हैं, गलत मेजर उठाते हैं। ओके, दूसरा है कि हमारे यहाँ पे जो डोपिंग पॉलिसीज है उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना बहुत ज़रूरी है, पैलेंटीज और पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, है ना, और ऐसे जो ड्रग्स जो कि नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स होते हैं उनको सेल होने से बचाना चाहिए, वो बिकने ही नहीं चाहिए ताकि कोई खरीद ही नहीं पाए, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग जो है वो डोपिंग को स्पोर्ट्स में रोक सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली दोस्तों एक सब्सटेंस के बारे में बात हुई थी, है ना, मेल्डोनियम,
मेल्डोनियम एक लैटवियन कंपनी है दोस्तों, उनके द्वारा बनाया जाता है। ये आपकी बॉडी में क्या करती है, आपकी जो ब्लड फ्लो है ना उसकी, उसको बढ़ा देती है, आपके फ्लो जो ऑफ ब्लड है उसको बढ़ा देती है, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। ओके, फिजिकल कैपेसिटी और मेंटल फंक्शन एक बार के लिए तो बढ़ जाएंगे, लेकिन लॉन्गर रन के लिए जो है काफी नुकसान है, जो कि आपके हार्ट को और सर्कुलेटरी कंडीशंस को पहुंचाते हैं। आपने देखे होंगे कई सारे दोस्तों ऐसे जो वेट लिफ्टर्स होते हैं या फिर जो आपके बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनके कार्डियक अरेस्ट बहुत कम उम्र में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस है जो कि वो लेकर रखते हैं या लिए हुए होते हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। दोस्तों अभी इंटरनेशनली थोड़ी ऑयल क्रूड ऑयल की प्राइसेस में थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है, उसी वजह से गवर्नमेंट ने भी जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ दिया है एक्सपोर्टर्स को। हमारे यहाँ से भी एक्सपोर्ट करते हैं ना हम लोग, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सबको, तो हमारे जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं डीजल को उनको 2% पर लीटर कम किया है ना। लोकल क्रूड ऑयल के ऊपर जो सेस लगता है 23,000 से 17,000 टन हो चुका है, तो 2-4 का बेनिफिट है जो कि यहाँ पे छोटी मोटी चीजों का दिया है। आरबीआई ने बोला है कि वो $100 बिलियन का खर्चा करेगा रुपी को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो चुकी है ना। 80 रुपए $1 का दोस्तों पहुंच चुका है, हालत बहुत ज्यादा खराब है, और ज्यादा दोस्तों नहीं हो ऐसे हालत, इसलिए आरबीआई जो है वो आगे आया और बोला है कि हम लोग $100 बिलियन का खर्चा करेंगे और ज्यादा जो है रुपी को नीचे डाउन नहीं जाने देंगे। ठीक है, करंट अफेयर कितने मंथ का आएगा ये पूछ रहे हैं हेमराज। देखो भाई हेमराज, बात ऐसी, करंट अफेयर आपका 1.5 साल का आएगा, 2021 का भी आएगा, 2022 का, आज 6 महीने का जो स्टार्टिंग है ना यहाँ तक का करंट अफेयर है जो कि आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। चलिए, आईपीएल के टीम ओनर्स ने दोस्तों साउथ अफ्रीका के T20 लीग के अंदर भी टीमें खरीद ली है। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताया था कि हम लोगों के, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा है जो कि विदेशों से आता है, तो अभी वापस से हम लोगों को $87 बिलियन है जो कि रेमिटेंस का मतलब होता है जो विदेश से पैसा घर पे भेजते हैं ना भारतीय है, उसको कहते हैं 2021 के अंदर। और अभी भी हम लोग टॉप रेमिटेंट रेसिपिएंट है जो कि है दोस्तों चाइना, उसके बाद है, उसके बाद मैक्सिको है। WHO की रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे आई है। ठीक है गाइस, यूनाइटेड नेशंस की रेस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए, और 5 टॉप रेमिटेंस कंट्रीज है जिसमें बताया गया, तो इंडिया, चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट है। ठीक है, और चलिए चाइना के अंदर $53 बिलियन और हमारे यहाँ पे $87 बिलियन। आपको मालूम है ना हमारे यहाँ पे तो ये ट्रेंड है कि हम लोग जो है, हम लोग विदेश में जाते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि 100 रुपये मिले हैं तो 99 रुपये तो घर भेज देते हैं ताकि घर पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब चलिए आगे बात करते हैं, डाटा दोस्तों आया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पेपर के लिए तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप आज के टाइम पे 13 लाख दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा 2800 दोस्तों ऐसे चार्जिंग स्टेशन भी जो है वो ऑपरेशनल हो चुके हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट का डाटा के हिसाब से बताया गया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ये डाटा है दोस्तों। फेम स्कीम है जो कि कई सालों पहले आई थी, जिसके अंदर क्या था, फास्टर अडॉप्शन ऑफ द मोबिलिटी व्हीकल्स, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फास्टर अडॉप्शन करेंगे, तो इसका फुल फॉर्म था फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फेम स्कीम। तो उसके दूसरे फेज के अंदर जो है वो 2800 पब्लिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है जो कि सैंक्शन करे गए हैं 68 सिटीज के अंदर, 1500 चार्जिंग स्टेशन 9 एक्सप्रेसवेज पे और 16 हाईवेज के ऊपर है जो कि लगाए जाएंगे। नियर बाय 13 लाख के आसपास इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसके अंदर आपका आंध्रा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप का तो डाटा ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उनके अलावा भी इतने सारे रजिस्टर्ड है जो कि इंडिया में हुए हैं, है ना। और पूरी दुनिया में बात करें तो आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में 13% जो भी व्हीकल रजिस्टर हुए हैं 207 कंट्रीज के अंदर, उसमें से 13% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। तो दुनिया बदल रही है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत तेजी से होना चाहिए काम। 13% व्हीकल्स है, 51% हो जाएंगे, तो दुनिया में पॉल्यूशन का लेकर थोड़ी बहुत राहत है जो कि जरूर देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, इंडियन अफ्रीका के बीच में सम्मिट है दोस्तों जो कि हुआ है, कंक्लेव हुआ है। तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक्सिम बैंक कंक्लेव है जो कि इंडिया अफ्रीका के बीच में हुआ दिल्ली के अंदर, जहां पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंडिया और अफ्रीका के बीच में करने की बात है जो कि करी गई। एक MOU भी है जो कि यहां पे साइन है जो कि किया गया है। 2005 में दोस्तों इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप फोरम को साइन किया गया था, है ना, और तब से ही जो है दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप है जो कि चल रही है पूरे कॉन्टिनेंट के बीच में, पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका और इंडिया, है ना। हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में क्रॉस बॉर्डर पार्टनरशिप बढ़ती रहे, हम चाहते हैं कि साथ में एग्रीमेंट्स हो जो कि दोनों के डेवलपमेंट में आगे बढ़े। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, और साथ में CII जो इंडस्ट्री है,
हम चाहते हैं कि इंडियन एक्सपोर्टर जो है ना वो अफ्रीका के अंदर काफी एक्सपोर्ट करें और उनको भी फायदा मिले और हमारे यहाँ पे भी फायदा मिले। तो हमने टोटल मिला के 4,000-4,500 के आसपास प्रोजेक्ट है जो कि टोटल अभी तक है ना प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करे हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड कॉमर्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट सभी के अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज है। हम लोग एक डिजिटल रिवोल्यूशन है जो कि इंडिया के अंदर अभी चल रहा है, तो हम लोग अफ्रीका की ग्रोथ के अंदर भी काफी पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने को लेकर। पिछले अगर 8 सालों की बात करें तो 36 हाई लेवल विजिट है जो कि इंडिया से अफ्रीका के अंदर हुई है ना, और 100 से भी ज्यादा विजिट अफ्रीका की इंडिया में हुई है। क्यों हुई है? ताकि एक दूसरे के बीच में बिजनेस कर सके, समझ रहे हो। हमने लोन भी दिया है दोस्तों $12 बिलियन का अफ्रीका को काम करने के लिए, 700 मिलियन का तो हमने ग्रांट दिया है। ओके, उनको मदद है जो कि हमने अवेलेबल करवाई है। इसके अलावा हमने अभी तक 197 प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट कर दिए, जिसमें से 65 अभी करंट में एग्जीक्यूशन में और 81 जो है अभी स्टार्ट होने बाकी है। गैम्बिया के अंदर हमने नेशनल असेंबली बिल्डिंग बनाई, वाटर सप्लाई, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग के काम करे। जाम्बिया के अंदर बात करें तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए। तो इस तरीके से पूरे अफ्रीका के अंदर दोस्तों हम लोग काफी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हमारे यहाँ पे दालों के रेट बढ़ जाते हैं तो हम मोजाम्बिक जो कंट्री अफ्रीका वहीं से हम लोग दालें हैं जो कि इंपोर्ट करवाते हैं। कई बार हमने इंपोर्ट करवाया तो हमें भी मदद मिलती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम ही मदद करते हैं, है ना। कोई भी देश छोटा बड़ा नहीं होता, सब मदद करता है। एक बार हमारे दिल्ली में 2013 की बात है, शायद 12 की बात है, बिजली चली गई थी पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो हमने नेपाल से उधार ली थी बिजली, तब हमें मदद मिली थी, समझ रहे हो। तो सारे देशों से मदद मिलती है। मॉरिशस के अंदर हमने मेट्रो के प्रोजेक्ट करे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट बना रहे हैं। नामीबिया के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है आईटी का। साउथ सुडान के अंदर भी ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो काफी सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि इंडिया के चल रहे हैं। 32 अफ्रीकन कंट्रीज को 150 टन मेडिकल हेल्प मिला इंडिया से, मेड इन इंडिया वैक्सीनेशन मिला, ट्रिप्स वेवर मिला ताकि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में उनको मदद मिले। हमने एक ऑपरेशन सहायता लॉन्च किया 2019 के अंदर, साइक्लोन आया था वहाँ पे, है ना, आइडिया इंडिया मोजाम्बिक में। ऑपरेशन वनीला चलाया मदागास्कर में फ्लड विक्टिम को हेल्प करने के लिए। ओके, अभी वहाँ पे ऑयल बिखर गया था तो उसको भी हमें समेटने में काफ़ी हेल्प करी। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि हम लोग करते रहते हैं। इंडिया और अफ्रीका के बीच में आज के टाइम पे जो ट्रेड है वो पता है कितना हो चुका है? $89 बिलियन का दोस्तों पहुंच चुका है। बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, प्रीवियस ईयर $56 बिलियन का था। इन्वेस्टमेंट भी $73 बिलियन का है। हम लोग टॉप पांच इन्वेस्टर के अंदर है जो अफ्रीका में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे लिए दोस्तों जैसे कि यूरोप के लिए इंडिया में अपॉर्चुनिटी है, वैसे हमारे लिए अफ्रीका अपॉर्चुनिटी है, समझिए, क्योंकि अफ्रीका से हम लोग थोड़े से बेहतर स्टेज के ऊपर है। फूड सिक्योरिटी के अंदर भी हमने काफी काम किया है, इनको एक्सपर्टाइज करवाने में, है ना, नए चेकबुक हो गया, डोनेशन डिप्लोमेसी हो गया। चाइना भी वहां पे काफी कोशिश कर रहा है, पैसा खिलाए, डिप्लोमेसी करे, डोनेशन करे। ओके, वो भी बहुत कोशिश कर रहा है इंट्रूड करने की। आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि पाइथागोरस ज्योमेट्री इन वैदिक एरा। एक और काफी बड़ा इश्यू है दोस्तों जो कि अभी रिसेंटली देखने को मिला। क्या हुआ कि कर्नाटका के अंदर जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बातचीत हो रही थी, तब क्या हुआ कि वहां पर उनके द्वारा बोला गया कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो नहीं बनाई थी। हमारे यहाँ पे वैदिक काल से ही जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है जो कि हो चुकी थी, समझ गए। तो इसको लेकर दोस्तों काफ़ी इश्यूज भी हुए, काफ़ी एविडेंस को लेकर बातचीत हुई, टेक्स्ट बुक को लेकर बातचीत हुई, है ना, थ्योरम को लेकर बातचीत हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बता रखा है कर्नाटका सरकार द्वारा एक पत्र में पाइथागोरस को नकली समाचार के रूप में वर्णित किया गया है। तो उन्होंने बोला ये एक फेक न्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बौद्धयान सुलभ सूत्र जो एक टेक्स्ट है, हमारे यहाँ पे किताब है दोस्तों, है ना, बौद्धयान सुलभ सूत्र, तो इसके अंदर ऑलरेडी जो है श्लोक के माध्यम से हमने ये जो थ्योरम है ना इसको हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, समझ रहे हो। आपको मालूम है ना ये पाइथागोरस थ्योरम, तो है ना, द सम ऑफ द टू साइड ए और बी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द थ्री साइड, ये मालूम है ना। जैसे मान लो आपको ए बी और सी, अब आपको मान लीजिए लोकेशन है आपकी घर पे, अब आपको ऑफिस जाना है यहाँ पे, तो दो रूट है आपके पास, एक तो ऐसे जाके ऐसे जाओगे और एक डायरेक्टली ऐसे जाओगे। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि ए और बी का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है थ्री से। तो आपको ये शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, ये वाला आपका शॉर्टेस्ट रूट है, समझ गए। तो ये आपके जनरल लाइफ के में कैसे पाइथागोरस काम आती है वो मैंने बताया, और ये थ्योरम तो आपने बचपन में पढ़ी होगी पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के जो एविडेंसेस आते हैं, पाइथागोरस दोस्तों कौन था, एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे। ओके, उनका वो 500 बीसी के आसपास जो कि एग्जिस्ट किया करते थे। हालांकि उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है,
कि कौन से स्कूल, कौन से सोसाइटी, कहाँ पर उन्होंने क्या स्टार्ट किया, इटली के अंदर क्या फॉर्मेशन किया, बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो पाइथागोरस के बारे में भी नहीं है। उनके मैथमेटिकल और भी अचीवमेंट है उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा कम जानकारी नहीं है, है ना। लेकिन जो उनकी राइटिंग है पाइथागोरस है थ्योरम है, इसके बारे में जो है काफ़ी बार जो है वो एविडेंसेस है जो कि देखने को मिले हैं। तो पाइथागोरस की थ्योरम ने रिलेशनशिप है जो कि बनाया था तीन साइड जो राइट ट्रायंगल होते हैं उसके 90 डिग्री के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। अगर दो साइड राइट ट्रायंगल की नोन होगी तो आप तीसरी साइड है जो कि इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर है जो कि डिफाइन किया गया था। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे वैदिक हमारे लिटरेचर के बारे में बात करी गई। देखो ये तो बहुत ही प्री डिफाइंड है और पूरी दुनिया को मालूम है कि हमारा जो एशियन इंडिया था ना वो दुनिया से बहुत ही आगे था, समझ गए, पूरी दुनिया एक तरफ और हम लोग एक तरफ, ऐसा हमारा एशियन इंडिया हुआ करता था उस टाइम पे। बहुत अमेजिंग अमेजिंग एविडेंसेज और हमारे पास में काम है जो कि करे हैं। तो पाइथागोरस जो है ना, ये जो रेफरेंस है थ्योरम का, ये सलबे सूत्र के अंदर भी दे रखा है जहाँ पे कई सारे फॉर्मूलाज हैं। और उसके अंदर क्या, जो आपके यज्ञ हुआ करते थे उसके यज्ञ के अंदर जो वैदिक इंडियंस के जो परफॉर्मेंसेज थी, जो परफॉर्म किया करते थे, तो उसको यहाँ पे डिफाइन है जो कि ऑलरेडी कर रखा है, समझ गए। हालांकि ये अभी तक हमें पता नहीं लगा कि जो ये सलबे सूत्र किताबें कौन से टाइम पीरियड की है, है ना। हम ये मानते हैं मतलब हिस्टोरिकल कंसिडरेशन में कि ये 500 बीसी से भी पुरानी थी, लेकिन 800 बीसी के आसपास जो कि हम लोग इसको मानते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। और उसी के अंदर एक स्टेटमेंट है जैसे कि आपके रिचुअल्स को परफॉर्म करने को लेकर, और उसी को पाइथागोरस थ्योरम में जो कि डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे 600 से 2000 BC के टाइम पे मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज हो गए, इजिप्शियंस हो गए, ये सारे सिविलाइजेशंस हुआ करती थी। वक्त आगे बढ़ा, 800 से 500 BC की बात करें तो इस 800 BC के टाइम पे सलबे सूत्र नाम की ओल्डेस्ट किताब है जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के एविडेंसेस मिले हैं वो बताया गया है। हालांकि ये 800 BC में ही मिली है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा एविडेंसेज है जो कि नहीं है। इसके अलावा ग्रीक और इटली के अंदर जो पाइथागोरस का जो टाइम आया था ना 500 BC का, वो इनके पास में प्रॉपर प्रूफ है कि ये 500 BC के अंदर ही आया था। उसके बाद 300 BC ग्रीस के अंदर तो काफ़ी पब्लिशमेंट है, काफ़ी पब्लिशमेंट है काफ़ी सारी किताबों के अंदर है जो कि इसके बारे में पता लग गया था, है ना। ये देखिए एल्यूसिड वाली एक एलिमेंट्स थे उसके अंदर प्रूफ है जो कि डाल दिया गया थे, तो 300 BC के टाइम पे तो अच्छी तरीके से आ गया था। बात है उससे पहले की, तो ये एक अभी रिसेंटली इक्वेशंस है जो कि मैंने आपको बताई। इसके अलावा करंट अफेयर शॉर्ट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट NAAR को सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग ICAR इंस्टीट्यूट अवार्ड से सम्मानित है जो कि किया गया है 2021। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट है लॉस एंजलिस के अंदर 2028 का समर ओलंपिक गेम्स है जो कि होने वाला है अभी ये, ठीक है। 15,000 एथलीट है जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। L&T फर्स्ट कंपनी जिसने डायरेक्टली ऑप्टेन और इम्प्लीमेंट किया है 5G नेटवर्क जो है वो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो L&T पहली कंपनी है जो कि बन गई राजस्थान में। दोस्तों फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत है जो कि इंट्रोड्यूस करी है, है ना। 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कन्वेंशन हुआ जहाँ पे उदय उमेश ललित ने फर्स्ट डिजिटल अदालत है, लोक अदालत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, दोस्तों उसको क्या किया, उसका उद्घाटन है जो कि किया है। वोकैबुलरीज की बात करें, एक्सोनरेट का मतलब होता है जब किसी के ऊपर आप बर्डन हटा देते हो, किसी का लोड हटा देते हो, उसको बोलते हैं, है ना। अलैक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस, जब आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हो। अब्डिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डिग्निटी रिफ्यूज़ करना, है ना, किसी भी चीज़ को अब्डिकेशन करना। एक्सोमेटिक का मतलब होता है कि विदाउट प्रूफ जो है वो आर्ग्यूमेंट करना, कोई भी ऐसे एविडेंस होते हैं जो विदाउट प्रूफ होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। ब्लैटेंट का मतलब है बिना सोचा समझे किसी को भी कुछ भी बोलना, उसको हम लोग ब्लैटेंट कहते हैं। फन फैक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको मालूम है ना कि म्यूजिशियंस जो होते हैं ना, जो बहुत ही तगड़े लेवल के म्यूजिशियंस होते हैं, वो थोड़े से बहुत ही अनसर्टेन होते हैं, कुछ भी कर देते हैं मतलब कभी भी, है ना। तो बहुत ही अजीब कई बार, है ना मेटालिका कई बार देखा होगा, जेम्स हेटफील्ड, कई सारे म्यूजिशियन है जो परफॉर्म करते करते बियर पीने लग जाते हैं, है ना, कुछ भी मतलब रैंडम कुछ भी काम कर देते हैं, तो कई तो बहुत ही अनसर्टेन होते हैं वो। एक बार क्या हुआ, एक म्यूजिक परफॉर्मेंस हो रही थी, है ना, एक 1979 का इटालियन बैंड था, स्कैंटोस करके एक बैंड था, उसने पता क्या किया, परफॉर्मेंस के टाइम पे किचन लेके आ गए, टेबल लेके आ गए, टीवी लेके आ गए, फ्रिज लेके आ गए, स्टेज के ऊपर म्यूजिक फेस्टिवल के बीच में खाना वाना बनाया, बढ़िया सोफे पे बैठ के खाना वाना खाया और उठ के वापस चले गए, कोई परफॉर्मेंस नहीं करी। मतलब सोच रहे हो कि पूरे हजारों लोग जो है
हजारों लोग जो है वो म्यूजिक परफॉर्मेंस देखने आए, और ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, म्यूजिशियन जो है वो खाना बना के चले गए। तो ये ऐसा इंसिडेंट भी दोस्तों एक बार जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा बूस्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, लाइव बैचेस चल रहे हैं। 12 बजे मेरी क्लास है रीजनिंग की, 1 बजे 3:30 तक मैथ की, और शाम में शिप्रा मैम की। ये ज्वाइन करने के बाद आपको यूट्यूब की क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बायलिंगुअल कंटेंट है, और कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे पूरा रिवीजन कर रहे हैं कोर्स का, 1 महीने के अंदर 20-25 दिनों के अंदर करने वाले हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होती है कोर्स लेने के बाद तो आप फिर है ना वहाँ पे मेल आईडी लिखी हुई है उसके ऊपर मेल कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 घंटे का लाइव कोर्स है, 25 आवर्स के लाइव डाउट क्लासेस है, 1 साल की वैलिडिटी है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर के 2000 क्वेश्चंस है, सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है जो कि करवाए जाएंगे। आज का पहला सवाल है, भारतीय सरकार के बॉन्ड यील्ड निम्नलिखित में से किस में से प्रभावित होते हैं, गवर्नमेंट की जो बॉन्ड है वो किस से इन्फ्लुएंस होते हैं ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है IFC मसाला बॉन्ड को लेकर, ये क्या होते हैं। थर्ड है स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी को क्या स्पेशल एडवांटेजेस है जो कि मिलते हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के को लेकर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।